बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम सुभानुल्लाह मोमिन खान दवाखाना रावलपिंडी और मॉडर्न हर्बल स्टोर इस्लामाबाद की तरफ से मेडिकल फार्मेसी के लेक्चर नंबर 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जिस तरह मैंने बताया कि मेडिकल फार्मेसी से आप ऐसी ऐसी बीमारियों का पता चला सकते हैं कि जो सिर्फ टेस्ट रिपोर्ट्स में आती है या जिन चीज़ों का नब्ज़ में या कारूरा में या मुख्तलिफ जो तशखीसी है तरीके है उसमें नहीं पता चल सकता। हाथ की हथेली से, हाथ की निशानियों से, लकीरों से आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। तो इसमें फिर आते हैं हाथ के नाखूनों से तशखीस, क्योंकि यह भी मेडिकल फार्मेसी का एक बेहतरीन जुज है। और आपने सबसे पहले नाखूनों को लाजमी देखना है। जो तरीके मैं बताता हूँ ये फार्मेसी के इंटरनेशनल रूल्स, रेगुलेशन और मेडिकल साइंस से बाकायदा साबित हैं। एक रिक्वेस्ट है, बेशक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे वीडियो को आप लाइक शेयर या कमेंट करते मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं भी करते तो कोई मसला नहीं है। लेकिन एक दरख्वास्त है कि वीडियो को अगर आपने मेडिकल फार्मेसी को सीखना है, समझना, तो वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे आपको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी। और ऐसे टाइम में इसको देखना है, वीडियो को या लाइव को या लेक्चर को सुनने के जब आप मुकम्मल बिल्कुल फारिग हो, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, हैंड फ्री लगा कर सुनेंगे तब चीज़ आपकी समझ में आएगी और फ़ायदा होगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये मैं आपको पहले से बता दूँ। तो मेडिकल साइंस के मुताबिक हमारे नाखूनों के नीचे नर्वस फाइबर्स मौजूद होते हैं जो कि बहुत ही हसास होते हैं। इसलिए हमारे जिस्म में अगर कोई बीमारी पैदा होने लगती है और उसकी वजह से इंसानी नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होना शुरू होकर दबाव में आ जाते हैं, तो इस खराबी की निशानी सबसे पहले इंसानी नाखूनों में नमूदार होना शुरू हो जाती है और नाखूनों के रंग और साख्त में तब्दीलियां आनी शुरू हो जाती हैं। यही वजह है कि पुराने ज़माने में जब तशखीस के लिए जदीद आलात मौजूद नहीं थे तो उस वक्त के अक्सर मौलिजीन नाखून को देखकर बीमारियों की तशखीस करते थे। अब हम नाखूनों की मुख्तलिफ सूरतों से मुख्तलिफ बीमारियों की निशानदेही के असरात पर बात करते हैं कि नाखूनों का रंग अगर अचानक आधा गुलाबी और आधा सफ़ेद हो जाए। आपने किसी के नाखून देखे और उसको देखकर आपको पता चला कि इसके नाखूनों के रंग जो ना आधा गुलाबी और आधा सफ़ेद हो गया है, तो समझ लें कि इसके जिगर और गुर्दों के फेल में कोई ख़राबी आ गई है। उसका जिगर और गुर्दे ख़राब हो गए, कमज़ोर हो गए और वो टॉक्सिन्स को पूरी तरह बाहर नहीं निकाल सकते। उसके साथ फिर आप बाकी लकीरें भी देख लेंगे, लेकिन ये एक मेन चीज़ आपको थोड़ा सा उससे हैंड्स मिल जाएंगे कि इस बंदे के गुर्दे और जिगर जो है वो कमज़ोर है। इसी तरह अगर नाखूनों का रंग गहरा सुरख हो जाए, किसी बंदे के आप नाखून देखें बिल्कुल ऐसे जैसे खून से लथपथ है, गहरा सुरख है, तो इस बंदे को हाई ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता है। और अगर जामनी रंग के नाखून हो तो ये लो ब्लड प्रेशर को जाहिर करते हैं। इसके साथ और निशानियाँ भी फिर देखनी पड़ती हैं, वो भी आगे चलकर इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपने ये मेन चीज़ें नोट करनी है। इसके बाद अगर किसी बंदे के नाखून ऐसा कमज़ोर हो जाए कि बस जैसे आप उसको ज़ोर से हाथ मिलेगा तो वो टूट जाए, तो ये जिस्म में विटामिन B7 और आयरन की कमी का निशानदेही करते हैं, ठीक है ना। अगर किसी के नाखून कमज़ोर है, जल्दी टूट जाते हैं, तो उसके जिस्म में आयरन की कमी है और विटामिन B7 की कमी है। इसके बाद अगर नाखून सफ़ेद होने लगे, बाज़ात इस तरह जब आप किसी के नाखूनों को देखते हैं तो वो सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, तो ये भी इस बंदे का जिगर कमज़ोर होता है, जिगर ख़राब होता है और उस बंदे के जिस्म में खून की कमी होती है। और साथ में फिर आप उसका अगर खाते जिगर दे, खाते सेहत देखें और खाते सेहत में वो सीढ़ी नुमा हो, जिस तरह सीढ़ी के वो होते हैं हिस्से होते, टुकड़े होते, इस तरह हो, तो फिर आप उसको डाइट समझ सकते हैं कि इस बंदे को हेपेटाइटिस है। वो आगे चलकर आपको बताएंगे कि खाते सेहत से फिर कैसे बताएंगे, लेकिन अगर खाते सेहत में साथ में सीढ़ी नुमा हो, टूटा फूटा हो और ये नाखून भी सफेद हो, तो उस बंदे को समझ लें कि हेपेटाइटिस है। अगर नाखूनों का रंग नीला होने शुरू हो जाता है, नाखून थोड़े से नीले कलर के हो जाते हैं, तो ये जिस्म और खून में ऑक्सीजन की कमी को जाहिर करते हैं, यानी ऑक्सीजन की कमी की वजह से खून गाढ़ा हो जाता है और उसी वजह से नाखूनों के नीचे खून नीले रंग का नज़र आना शुरू हो जाता है। और ये भी याद रखें कि नीले रंग के नाखूनों का दिल की कमज़ोरी के साथ गहरा ताल्लुक है, क्योंकि जब फट्टे कमज़ोर हो जाते हैं
ये उजलात कमज़ोर हो जाते हैं तो उनके फंक्शन में खराबी आ जाती है और सही काम न करने की वजह से जिस्म और खून में ऑक्सीजन की मुनासिब मकदार नहीं पहुँचती और खून में नीलाहट आ जाती है। जब खून में नीलाहट आ जाती है तो नाखूनों के नीचे जब आप देखेंगे खून को तो वो नीला आपको लगेगा। इस तरह जर्द नाखून और मोटे नाखून ये फंगल इन्फेक्शन को जाहिर करते हैं और अगर आप देख रहे हैं कि उस बंदे को फंगस ना हो और फिर भी नाखून जर्द नजर आए तो फिर ये जिगर की खराबी और इस बंदे को शुगर का मसला हो सकता है। यानी फंगस को जाहिर करते हैं और अगर फंगस ना हो तो फिर ये जिगर की खराबी और शुगर को जाहिर करते हैं, उस बंदे को फिर शुगर का मसला हो सकता है। इसके बाद अगर नाखूनों पर आप देखें कि सियाह रंग की काले रंग की ऊपर से नीचे तक लकीरें आ रही हैं, लकीरें आ रही हैं या पट्टियां सी बनी हुई हैं तो इस बंदे को स्किन कैंसर हो सकता है। मेरे पास एक मरीज आया था, मैंने उसको देखा, उसके जब मैंने हाथ देखा तो मैंने उसकी बाकी चीज़ें देखी नहीं, उसके नाखूनों पर दूर से ये इसी तरह लकीरें नज़र आ रही, काले रंग की लकीरें थी। उसको मैंने फ़ौरन अर्के दमा से शुरू कराया और वो सब खून चीज़ें शुरू कराई। कुछ ऐसे बाद जब उसका देखा तो माशाल्लाह वो नाखून क्लियर हो गए थे और उस बंदे का चेहरा भी साफ हो गया था। तो स्किन कैंसर को भी आप नाखूनों से और हाथ की लकीरों से समझ सकते हैं। अच्छा, अगर नाखूनों पर लंबाई के रुख उमूदी लकीरें बनी, ये तो मैंने आपको जो पहले बताई ये सीधी थी, ये उमूदी लकीरें, तो ये बढ़ती ही उम्र और जिस्म में गजाइत की कमी को जाहिर करते हैं और स्पेशली ऐसे बंदे में कैल्शियम और जिंक की कमी बहुत होती है। ऐसे बंदे को खुराक पर तवज्जो देनी चाहिए और ऐसी चीज़ें जिसमें कैल्शियम और जिंक वाफर मकदार में मौजूद हो वो चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर नाखून पर सफ़ेद रंग के निशान या धब्बे हो तो ये भी कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक की कमी को जाहिर करते हैं और ऐसे मरीज को कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक के सप्लीमेंट्स या ऐसी चीज़ें जिनमें ये चीज़ें वाफर मकदार में मौजूद हों ये उसको इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद नाखून के ऊपर जो बने हुए चांद होते हैं अगर त्रिकोण की शक्ल में हो, ये याद रखें, तो हार्ट अटैक का ख़तरा हो सकता है अगर त्रिकोण की शक्ल में हो। ये मैं कोशिश करूंगा कि साथ में इसकी फिर तस्वीरें भी किसी टाइम शेयर कर दूं इंशाल्लाह, लेकिन पहले मैंने कहा कि एक मरतबा इसको वॉइस में बताया था कि कुछ पॉइंट्स आप नोट करें। और अगर त्रिकोण की शक्ल में हो तो इस बंदे को कोलेस्ट्रॉल और एसिडिटी हद से बढ़ जाने की ये भी अलामत है। आप उसको डायरेक्ट बताए कि भाई आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ गया। ऐसा बंदा जो है वो यूरिक एसिड का और कोलेस्ट्रॉल का मरीज होता है। ख्वातीन में अगर नाखून लंबे हों, लंबे नाखून अगर उन्होंने रखे हुए भी हों या उनके नाखून लंबे हों तो ये जो कमर का निचला हिस्सा होता है और हिप्स के ऊपर ये मसला हो सकता है, निचले कमर और हिप्स के ऊपर इनके दरमियान में, मतलब जिसको लो बैक कहते हैं, छोटी कमर, निचली कमर, पतली कमर या इसको जो कहते हैं, तो उसमें लो बैक पेन का ये ख़तरा हो सकता है, ये उस चीज़ को जाहिर करता है। इसके बाद बाज़ अवकात हम कुछ लोगों के नाखून को देखते हैं कि वो लंबे भी होते हैं और जड़ों में ऐसे धंसे हुए होते हैं ना, जैसे उनके ऊपर गोश्त छड़ा हुआ हो। ऐसे मरीजों को फालिज का, लकवे का या कोमा में जाने का मसला हो सकता है। ऐसा बंदा किसी भी टाइम फालिज का अटैक इसमें हो सकता है, उसको लकवा हो सकता है और यह बंदा किसी भी टाइम कोमा में जा सकता है और इससे रीढ़ की हड्डी में भी किसी खराबी का पता चलता है कि इस बंदे के रीढ़ की हड्डी में भी कोई मसला हो सकता है। इसके बाद लंबे नाखून आ जाते हैं, कुछ लोगों के नाखून लंबे होते हैं जो वाज़ह तौर पर लंबाई का एहसास देते हैं, यानी मतलब न तंग होते हैं न फैले हुए होते हैं बल्कि ऐसे होते हैं कि लंबे होते हैं, तो ऐसे बंदे को चेस्ट प्रॉब्लम्स, गले की बीमारियाँ, खांसी, बुखार, थायराइड, हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड, ये मसले साथ साथ हो सकते हैं। साथ में फिर आप और निशाने भी देखेंगे लेकिन ये मेन आपको पता इससे चल जाएगा। इसके बाद कुछ लोगों के नाखून छोटे होते हैं तो ऐसे नाखून अक्सर गोल होते हैं, न ज़्यादा लंबे होते हैं न ज़्यादा तंग होते हैं और उनसे चौड़ाई का एहसास नहीं होता बल्कि उनको देखते ही ऐसे लगता है जैसे ये उंगलियों में बिल्कुल किसी ने जोड़े हुए रखे हैं, जैसे अंगूठी में नगीना जोड़ा हुआ होता है ना, ऐसे बिल्कुल लगते हैं और उनके इर्द गिर्द गोश्त जो है वो ज़्यादा फैला होता है, मतलब गोश्त में ऐसे जैसे इर्द गिर्द गोश्त है और उसके ऊपर किसी ने नाखून रखा हुआ है। तो इस बंदे को
नाक गले और सांस से मुतालिका शिकायत जो है ना ये हो सकती है। और ये बंदा जो है बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है, हाइपर हो जाता है, जल्दी हाइपर हो जाता है और बहुत जल्द टेंशन में आ जाता है, आसाबी दबाव में आ जाता है। और आसाबी दबाव की वजह से ये बंदा जिसको तेज में इख्तलाज कल्ब कहते हैं दिल की कमजोरी का शिकार हो जाता है। लेकिन ये बंदा दिल का मरीज नहीं होता, असल ये होता है आसाबी कमजोरी वाले मरीज। लेकिन आसाबी कमजोरी और टेंशन की वजह से इसका दिल जो है वो भी कमजोर हो जाता है। अच्छा, बाज़ औक़ात जो है ना कुछ लोगों के नाखून होते हैं, छोड़े नाखून होते हैं, तो ऐसा बंदा जो है ना ये टेंशन फ्री होता है। इसको अगर कोई छोटे मोटे मसाइल होते भी है तो ये दिल पे नहीं लेता। तो बाज़ औक़ात ये बंदा जो ना ये छोटी मोटी बीमारियां वैसे ही अपनी कुव्वत इरादी से जो ना वो उसको ठीक कर लेते हैं। फिर उसके बाद तंग नाखून आ जाते हैं। ऐसे नाखून न ज़्यादा गोल होते हैं, न ज़्यादा खुले कुशादा होते हैं, नहीं ज़्यादा छोटे होते हैं, बल्कि बाज़ हाथों में ऐसे नाखून जो ना वो तंग और चौड़ाई के मुकाबले में लंबाई में ज़्यादा होते हैं। और ऐसे नाखून भी ऐसे लगते हैं जैसे इनको किसी ने चस्पा किया हो उंगली पर। अगर ऐसे नाखून बहुत ज़्यादा तंग और लंबे हों तो रीढ़ की हड्डी से मुतालिका कमज़ोरियों को और अमराज को ये जाहिर करते हैं। ऐसे बंदे के रीढ़ की हड्डी में, डिस्क में, मोहरों में कोई मसला हो सकता है। और अगर ऐसे नाखून सिर्फ लंबे हों, मतलब ज़्यादा तंग ना हो, तो फिर मसला ज़्यादा नहीं होता। लेकिन अगर लंबे भी हों और तंग भी हों तो फिर रीढ़ की हड्डी में मसला जो है वो ज़रा बहुत ज़्यादा हो जाता है और बाद का चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। और ऐसे शख्स में जो है ना वो आसाबी बीमारियों के असरात भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये मैंने नाखूनों के बारे में बताया, नाखूनों को भी आप देखकर बहुत सी चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके बाद फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे ये लकीरों की तरफ कि हाथ में फ़लानी जगह पर फ़लानी लकीर हो तो इससे कैसे, बल्कि मैं आपको ये बताऊँ कि इससे आप जो बंदा मुजनी करता है या जो ख्वातीन मुजनी करती है, हाथ का इस्तेमाल करती है, उंगली का इस्तेमाल करती है, ये भी निशानियाँ हाथ की लकीरों से पता चल जाती है, मतलब बंदे का किरदार भी। तो इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आपको आएगा। लेकिन ये मैं दोबारा बता दूं कि अगर आपने इसको समझना है, इसको किसी रात को सोते वक्त या किसी फारिग टाइम है कि जब आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, उस वक्त आप इस लेक्चर को सुनेंगे तब आपको फ़ायदा होगा। वरना अगर आप मतलब में बैठे हैं, मरीज़ भी आ रहे हैं, साथ में काले भी सुन रहे हैं, दूसरे काम भी कर रहे हैं, तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं पहले बता दूँ और इंशाल्लाह इसकी बुक भी मैं बहुत जल्दी जो है उसको फिर अपलोड कर दूँगा। लेकिन सबसे पहले इसके लेक्चर पूरे हो जाए, इंशाल्लाह फिर बुक भी मार्केट में आ जाएगी। और इंशाल्लाह जितने भी हुकमाज रहा है इस फील्ड से शौकीन लोग हैं तो उनको मज़ा आएगा। आप फिर बंदे को चैलेंज करके भैया मैं आपका हाथ देखता हूँ और आप उधर बेशक टेस्ट कराएं या किसी माहिर नबाज से चेक कराएं। अपनी दुआ में मुझे याद रखें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।